रमजान की आमद आमद है मैंने जो रमजान का कैलेंडर होता है उसमें 12 मार्च देखा था कि 12 मार्च को पहली सहरी होगी तो आप तमाम मुसलमानों को रमजान की ढेर सारी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो बसमीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है हैतरहम वाला है ये मेरा जो चिकड़े चिल्ला रहा है ये आ जाता है <laughs> जब भी वीडियो बना रहा होता तो ना आज स्टैंड पे मोबाइल फ़ोन रखा है तो ये भाई साहब आ गया देख के मैं इसको कह भी रहा था वो दूसरे कमरे में जाए लेकिन नहीं आया गया तो ये भाई साहब आ गया मेरे पास वीडियो बनाने नहीं देता है ये मेरी तो वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने अली लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में दिखा बेकार वीडियो में दिखा दे वो, वो इतने खतरनाक सांस ले रहे हैं आप अब हो गई आपकी थोड़ी सी इधर हो जाएगी मुझे वीडियो बना दे, दे प्लीज ये कुछ भी नहीं है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने अली लाइफस्टाइल व्लॉग्स में दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक की आमद आमद है एक या दो दिन रह गए रमजान मुबारक में बिस्मिल्लाम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान अहत रहम वाला है वेलकम करता हूँ आपको अपने अली लाइफस्टाइल व्लॉग्स में दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि रमज़ान की आमद आमद है मैंने जो रमज़ान का कैलेंडर होता है उसमें 12 मार्च देखा था कि 12 मार्च को पहली सहरी होगी तो आप तमाम मुसलमानों को रमज़ान की सारी बहुत बहुत मुबारक हो ये माह रमज़ान माशाल्लाह से मरह, रहमतों मफरतों और जहनुम से आज़ादी का महीना है इस माह रमज़ान में जो नेकियां होती है वो सत्तर दुगना बढ़ जाती है और जो गुनाह भी होते हैं वो भी सत्तर दुगना बढ़ जाते हैं तो इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे इबादतें करे कुरान शरीफ पढ़े और तस्वीर करे अस्तफार और दुरुशी पढ़े तो इस माह रमज़ान में अपने जो फौज हो चुके हैं उनको ना भूलें उनके लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें और मुझ गुनागार के लिए और मुझ गुनागार को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इनशाला इस माह रमज़ान में शहरी से लेकर अफ्तारी तक आपके साथ होंगे इनशाला इस माह रमज़ान में एक जो भी व्लॉग बनाया करूँगा उसमें एक ज़रूर हदीस सुनाऊँगा आपको तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग्स को देखिएगा इस माह रमज़ान में तो इनशाला मैं भी इन शाला मैं भी इन नियत करता हूँ कि मैं भी इन कुरान शरीफ पढ़ूँगा इबादत करूँगा और तस्बीहात में भी, भी पढ़ूँगा तो आप लोग ज़रूर मुझे और मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा मेरे व्लाग्स को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेगा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएगा ताकि मैं जो व्लाग डालूँ वो आपको मिल सके तो बस ये छोटा सा एक मुबारकबाद देनी थी आपको रमज़ान की तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं इन शाला अपने वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग शुरू में ब्लॉग्स को देखेगा तो फिर मिलेंगे आपके साथ किसी अच्छे ब्लॉग के साथ किसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़